1 2 3। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं देसी दरिंदे के बारे में। जी हाँ, वो देसी दरिंदा है सौरभ गोसी। कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पर सर्च करता सौरभ गोसी पात्री का दिंदन एंड पायगन की एक वीडियो देखी है मैंने। देखो सौरभ गोसी रो देखो पायगन डिलीट योर चैनल भाई, मतलब समझ रहे हो। और पायल क्या है भाई? गाइस आप लोगों को तो पता होगा पायल जोन सौरव जोशी के ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन लगाती रहती है। तो कभी अपने थंबनेल में ये लिखती है कि सौरव जोशी ने मेरे फेस के ऊपर एसिड डाल दिया, तो कहीं सौरव जोशी की वजह से मेरी नाक कट गई। और यहाँ तक कि एक वीडियो में ये भी कहा कि सौरव जोशी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इस वीडियो को देखने के बाद सौरव जोशी और ट्रिगर इंसान पायल जोन के ऊपर रोज वीडियो निकालने वाले हैं। यार तूने किसी की जान ले रखी है, किसकी किसी की दादी मर गई तुम्हारी वजह से? क्या हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं, क्या क्या मर गया। कतारा तेरी बहन भाई साहब, तेरी बहन भाई साहब। वो सौरभ जोशी चुपने लगा है अगर सबको, तो काय को उसकी वीडियोस काय को देखते हो, लाइक काय को करते हो, बोलो। हाँ मैम, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, तुमको पता है कि फेक एलिगेशन लगाती है तो भी बेफालतू उसको लाइक करेंगे, इतना व्यूज आप आ रहे भाई उसको क्या कर रही हो? पर आजकल है ना, ये एक ट्रेंड बहुत फैला है छपरी लोगों के बीच में कि किसी ऊपर भी कुछ भी झूठा नकली इल्ज़ाम लगा देंगे और बोलेंगे ये जैसे कि अभी मैं लगाऊंगा ब्ला ब्ला। ये देसी दरिंदा मेरे बाजू में बैठा है, ज़्यादा बोल रहे करे टकले। ओ भाई, ओ माय गॉड, ये ने पकड़ लिया। ओ माय गॉड, सौरव जोशी को एलियन ने पकड़ लिया। ऑब्वियस बात है ये एलियन सूट है जिसके अंदर है सौरव जोशी का पैर है, बस बाहर का बॉडी दिख रहा है, ऑब्वियस बात है। ओ माय गॉड, सौरव भाई 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 सौरव जोशी इंसान के भाई, जल्दी देखो यार वीडियो में क्रिटिसिज्म था ना उस वीडियो में रोस्ट था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ
सच्चाई थी भाई, मतलब इसको ना सिर्फ कंटेंट चाहिए और इसने कंटेंट के चक्कर में जो इसको रिप्लाई दिया। बोल बोल बोल। तो दोस्तों मैं अभी अपने सेटअप पे आ चुका हूँ। ये इस बंदी के पास ये माइक था तो मेरे को भी माइक लेने का मन, मतलब माइक वाली वीडियो बनाने का मन करा तो मैं भी सेटअप पे आ चुका हूँ। अरे माइक लग ही नहीं रहा है बे, क्या हो गया इसको? रियली मुझे ना मतलब रिप्लाई देने का फाइल सुन को। हाँ चलो भोग, आई मीन मैं पागल सुन को कि चापे से ना रिप्लाई मत दिया करो, अगर रोस्ट करना है ना तो इज्जत से किया करो। सौरव जोशी पर अभी बीच में जैसे आपने वीडियो डाला, मैंने मारा था वीडियो सौरव जोशी पर, तो त्रिगा चिंतन की बात सौरव तो सौरव जोशी ऊपर एक वीडियो डाला था आपने कि मेरे साथ चले गए सौरव जोशी। रियलिटी वो है कि आप बहुत गुटखा तंबाकू पान कम उधर पाता बिल्ली चल जल्दी आ जल्दी आ तंबाकू पान वगैरह कम खाती होगी जो आपके दांत नहीं जाएंगे। बोलो आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। खेबड़ी खेबड़ी कमेंट तो कर नहीं सकता मैं इसको। आई हेट यू पायल। अरे डिस्को लाइट पीछे कितने चालू कर रखे है कैमरा ऑफ कर, कैमरा ऑफ कर। क्यों गया? अब बंद कर देते देते बंद कर। चल इधर पे आ जा, इधर ऐसे पार पे आ जा। देखो सही बना है ना पूरा की तरह भक्त भक्त। वो माफ की आंख का तारा हिल गया। अबे यार ये कैमरा थोड़ा दूर सेट कर लिया कर, कैमरा पास ही अच्छा। मेरे पास का माइक है और इसके पास उसका कुत्ता। चलो वीडियो वीडियो सब चालू है। क्या है मतलब कुछ कोई सेंस है इस बात का? नहीं, ये कह रही है मैंने निश्चय भाई को अपना भाई माना था और मैंने उन्हीं को मार दिया था। शाबाश, मैंने सबको अपना भाई मारा। सौरव जोशी को मार दिया, मेरे को मार दिया, निश्चय को मार दिया और कितने क्रेडिट्स को मार दिया। मतलब यहाँ पर थंबनेल डाल दूंगा ना तो पूरी स्क्रीन कम पड़ जाएगी, इतने लोगों को तो ये मार चुके नेट पे। और सर तेरे मैंने तुमको भाई मारा। भाई ऐसा भाई मत मानो दीदी कि अपना भाई को मार दो। घर उजाड़ दिया, घर जला दिया, मुंह पे एसिड डाल दिया, सर गंदा कर दिया। तो गाइस आज हम इसके अलावा ये पीयूष जोशी तो पता नहीं क्यों इतना बोल। एक चीज बताना चाहती हूँ कि गंजा तेरे पास बाल तो होने चाहिए ना गंजा होने के लिए। भाई मतलब ऐसे डालने का भी पीयूष ने भी पूरा भाषण कर, पूरा पीयूष ने पूरा भाषण बता दिया। चलो मतलब हमारा पक्षी पक्षी हमारा पक्षी गधा बहुत बुरा था। मुझे बोलेंगे कि बच्चे को रोस्ट करती रहती है। अरे तो बच्चा भी तो मेरे बारे में बोल रहा है, हम क्या पागल है यहाँ पर? हमें यहाँ के बच्चे कुछ भी बोल जाएंगे, हम यहाँ पागल है यहाँ पर? तो बोलेंगे पीयूष बोल 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 बोल। मैं भी पीयूष को बहुत अच्छे से रिप्लाई करूंगी और मैं पीयूष के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। भाई 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 पहली बार जिंदगी में ऐसा होगा कि पायल जोन किसी पे वीडियो बनाएगी क्योंकि उसने उसके बारे में बोला है। So proud ना पायल दीदी, क्या फीलिंग होगी ये? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे खतरनाक वैशी दरिंदे यूट्यूबर के बारे में, जिसने पहले तो किसी की लात काटी, किसी को कैंसर कर दिया, किसी को गंजा कर दिया, किसी की तो जान ही ले ली, किसी की बहन को जान से मारने की धमकी दी है, किसी के पिताजी को जान से मारने की धमकी दी है और ना जाने ना। सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि पायल जोन ज्यादा कुछ नहीं कर रही, मेरी दादी को जान से मार दिया। हाँ ये भी भाई मतलब इतना बड़ा ऐसा बस एक क्रिमिनल चार्ज में हो गया, बस एक क्रिमिनल चार्ज मेरा घर जला गया। हाँ इतना कुछ बड़ा छोड़ा, मुँह पे एसिड फेंक दिया। एक सेकेंड सुन, अगर इसका घर जला दिया है तो दूसरे घर में दूसरा घर कैसे आया भाई इसका? रोड पे बैठ के वीडियो बनानी पड़ती इनको तो, है ना? हाँ अच्छा अच्छा चल हो रहा, नाक टूट गई, पैर कट गया, फिर भी चैन नहीं इनको, वीडियो बनाना ही बनाया। और एक बार देखो जब इनके घर में आग लगी थी तो सारा मतलब आग के बीच में बनती इतनी शांति से व्लॉग बना रही है ना, क्या बताओ। जैसे कि पानी के आसपास एकदम पूरा गोवा के समुंदर के आसपास बैठ के कुछ व्लॉग व्लॉग बना रही हो। अच्छा अभी 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 मैंने कुछ बोला नहीं अजान हो रही, अभी तक तो वीडियो चालू नहीं करते जब तक हम इसके बारे में बकबक कर देते। हाँ पायल गेमिंग, पायल जो भाई थोड़ी ना। अच्छा वैसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये पायल
जोन है ना, हर चीज में इसको इंटरफेयर करना होता है, हर चीज में। बंदी के घर में, बंदी के घर में आग लग गई है और बंदी आराम से मतलब जाने कितने ऐसे गंदे गंदे कांड कर चुका है ये इंसान। मैं बात कर रहा हूँ भाई, वाह, अरे भाई यार, पागल बनाने की हद होती है, हद पार कर दो ना तो दिमाग के ऊपर से ऊपर चले जाता है। मतलब क्या बोली, अगर क्या बोली थी वापस बोल, दिमाग के अगर मतलब चटाने की भी हद होती है, दिमाग से ऊपर चले जाए ना। उसने तो पागल बनाने की हद पार कर दी, जैसे कि उसके दिमाग के तार ही हिल गए भाई। पागल जोन से समझदार तो मेरा रोबोट है, बेचारा अभी तक बनाया नहीं फिर भी बोलता है। क्या पायल जोन के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए? अबे सच्ची बताओ तो है ना, वो रोबोट है ना, रोबोट बहुत घटिया सच बोलता है, पर है बहुत घटिया रोबोट। सर हाँ हाँ हाँ, ये मेन बात है। और ये पायल जोन का मुझे ना कुछ फंडा समझ में नहीं आता। पहले तो सौरभ जोशी को रोस्ट करती है बंदी, फिर करती है अपने ट्रिगर को। हर चीज को रोज करना है ना, इम्पोर्टेंट है। मुझे तो ये बता दो बस, खतरनाक यूट्यूबर के बारे में जिसको आला भाई तुम्हारे इंट्रो की बारी है, ये यही है वो। ये देख लो, तुम्हें शक्ल से भोला भाला शरीफ सा लगता होगा लेकिन इस भोले भाले चेहरे भाई, ये सच में शरीफ है, कोई मतलब मजाक नहीं है। एवी तुम मतलब यार पायल दीदी माफ कर दो यार, कोई और कॉन्टेंट बनाओ, बच्चों को छोड़ दो। पीछे छुपा है वो खूनकार दानव दरिंदा, ये प्यारा सा बच्चा, इसके चंगुल से मैंने छुड़ा लिया। गाइस मैं मान रही हूँ कि मैंने सौरभ जोशी के अगेंस्ट अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस बनाई है, मैंने उनके ऊपर काफी सारी तरीके की बातें बोली है, लेकिन मैंने वो सारी वीडियोस मजाक में बनाई है। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसपे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे देखेंगे तो। अरे मैं खुद भी मजाक के लिए वो वीडियोस बनाती हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो वीडियोस होती है। भाई तू मजाक की हद पार कर दी, क्या पागल है तेरा, तू मजाक की हद पार करके मुझे मजाक कर रही। वाह भाई वाह, मोबाइल तो देख, मैं 100 नंबर डाल करता हूँ अभी। इससे अच्छा तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम किसी की जान ले रहे हो, किसी की दादी को मार रहे हो, किसी की बहन को भगा रहे हो, किसी के मुंह पे एसिड फेंक रहे हो, नाक काट रहे हो भाई, मतलब इसकी वीडियो क्लिप प्ले करो यार। फिर नाक पे ये बैंडेज बांध के आके तेरी मेरी नाक काट दी यार। बेस्टी की शादी की शॉपिंग का पागलपन। सगळं पाणी तुंबलंय, ड्रेन ब्लॉक निघतच नाही, म्हणूनच तुमचा विश्वासू हार्पिक तुमच्यासाठी घेऊन येते नवीन ड्रेन एक्सपर्ट। याचा शक्तिशाली फॉर्म्युला हट्टी ब्लॉकेज दूर करतो आणि फक्त 30 मिनिटात निचरा करतो। नवीन हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई इसके बुद्धि में डालो ये बात, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। अभी दिमाग होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मजाक के लिए बनाई गई है और इस वीडियो में सारी चीजें ऐसे ही लड़की बोल रही है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लेकिन जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है उसको मेरी वीडियो देखकर गुस्सा ही आएगा। जैसे कि हम इन दोनों इंसानों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि ट्रिगर इंसान एंड सौरभ जोशी, क्योंकि इनको मेरी वीडियो देखकर गुस्सा आ रहा है। यार मेरी वीडियो देखकर कौन किसको गुस्सा आता है? सब लोग मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ना लाफिंग इमोजी भेजते हैं कि भाई ये तो बेस्ट कॉमेडी चैनल है, बहुत हंसी आती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, मतलब सीरियसली लोग मजाक उड़ाते हैं। बट आई रियली वांट टू नो, इसकी वीडियो पे 3000 लाइक्स है, किसने करे और 2.5 लाख व्यूज। हाय राम, क्रिंज इक्वल टू व्यूज 100% की वजह से एक लड़की ने अपनी नाक खोली। क्या किया है, जो भी कुछ है आपके सामने है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल फेक बनने की कोशिश नहीं है, नाक नहीं है। गाइस एक बार ये देखो, हेलो गाइस, मैं अभिषेक, मेरा एक हाथ नहीं है, ये हाथ मेरा पायल जोन ने काटा है। आई लॉस्ट माय हैंड बिकॉज ऑफ पायल जोन। गाइस मान कैसे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मतलब प्लास्टिक की मिट्टी की प्लास्टिक सर्जरी उसके बदन पे। ये यार, ये सॉरी, मेरा थोड़ा सा लाफ निकल गया, सॉरी मेरा लाफ निकल गया। मैंने फेक का मतलब गूगल पे भी पूछा तो गूगल बोलता डिड यू मीन बाय पायल जोन, और मैंने भी समझा अबे गधे पायल जोन नहीं पागल जोन। ये ना ये प्लास्टिक तभी सही है, पर वो तुम यार मेरा हाथ नहीं है। अरे वो
खुजली हो रही है तो हाथ निकल गया। वैसे मेरा हाथ नहीं है गाइस, ये देखो मैं भी पायल जोन हूं। वीडियो देखी जब जब उस वीडियो में मेरी क्लिप्स चल रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं इतना अपनी बचकानी हरकतों पर हंसी, लेकिन इनकी बातें सुनकर इनकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा है भाई। हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब ये जब करे तो हरकतें बचकानी है, पर हम जब करे तो हम तो भाई हमारे दिमाग में दिक्कत है, हमारे पास तो है ही नहीं। चलता तो अपना चैनल देखो ना यार, पहले अपना चैनल संभाल लो। मेरे चैनल से तुमको क्या है यार, मैं अपना चैनल नया बना लूंगी, तुमको क्या दिक्कत है, अपना चैनल देखो ना यार। थोड़ी सी ना मतलब समझ जाओ आप, उसका स्क्रू ढीला है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि, मैंने सोचा था स्क्रू ढीला है, इतना इतना सोचा था कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, उसका घुटना दिमाग में। लो भाई लो। और एक चीज और कि मतलब लोगों का थोड़ा सा ढीला होता है ना, इतना इतना उसका तो भाई पूरा, तो ऐसा देखो जैसे कि ये मेरा खिल्ला है दिमाग का, ये बाहर इतना ही आया, उसका तो भाई इतना बड़ा फैले रहता है माइक दिमाग का स्क्रू। गाइस आज से कुछ साल पहले हमारी एक बहुत ही चल मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।